ठीक नहीं हो रहा, शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो रही, फैटी लीवर, पीसीओडी, कमर का दर्द ठीक नहीं होता, मेरे गोडों में दर्द रहता है, तो अनेक बीमारियों का समाधान है मालिश। मैं कहता हूँ आप मालिश करके देखें। देखिए मैंने MBBS की डिग्री ली, MBBS का कोर्स या MD करी, लेकिन कहीं भी MBBS के कोर्स में मालिश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई है। तो लेकिन जैसे कोई मशीन है, कोई साइकिल है, गाय भैंस के चारा काटने की मशीन है, मशीनों को भी तेल की जरूरत होती है, ऑयलिंग की जरूरत होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी को भी ऑयलिंग की जरूरत है। जैसे भी फैटी लीवर है, ओबेसिटी है, मोटापा, PCOD है, अगर ज़्यादा चिकनाहट खाएंगे, ज़्यादा दूध लेंगे, ज़्यादा दही लेंगे, तो बल्कि वो बढ़ जाएंगी, लेकिन मालिश से बॉडी उतना ही तेल एब्जॉर्ब करेगी जितना हमारी बॉडी को आवश्यकता है। तो मालिश कब करें, कैसे करें, कितनी करें, कब ना करें मालिश, मैंने बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए आपके लिए, और कौन से तेल से करें ये भी मैंने बनाया है। मालिश से किस किस अंग को क्या क्या फायदा मिलता है, मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, बस आप स्मार्ट सेशन में जुड़े रहें। छोटा सा सेशन है ये स्मार्ट सेशन, आप एंटर जुड़े रहें। कैसे मालिश करते हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पापा 90 ईयर्स के हैं, देखिए हमेशा हेल्दी रहते हैं, 90 वर्ष की उम्र में बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी हैं। क्या हमारा हेल्दी रहने का क्या तरीका है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मालिश जो करनी है हमें, एक तो नवाए तेल से करें, जो बुजुर्ग हैं तो वो तिल के तेल से मालिश करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये तिल का तेल है, ये वात रोगों को खत्म कर देता है, जितने भी वात रोग हैं, कहीं के भी दर्द हैं तो दर्द को, ये तिल का तेल है। जो बच्चे हैं उनकी हम सरसों के तेल से करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये कफ को दूर करती है, खांसी जुकाम बलगम को दूर करती है। जिनको पित्त के प्रकोप हैं, वो जैसे फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा वगैरह, वो नारियल के तेल से मालिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक एक अंग को, जैसे फेफड़ों को बड़े अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाती है मालिश, खुल के सांस मिलती है, और लीवर को, हमारे बॉडी को, लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को डिटॉक्सिफाई करती है। करना हमें तरीके से मालिश, देखिए ऐसे तेल, मैं तो चाहता हूँ कि घर के सदस्य करें तो अच्छा है, मेरे साथ में तो गंगा भी है, ये देखिए गंगा है। पहले 20 साल से मैं अपनी मालिश खुद करता था, आज सुबह मेरी मालिश गंगा ने की है, तो मैं पापा की मालिश कर रहा हूँ। जब मुझे समय मिलता है मैं मालिश कर देता हूँ पापा की। ऐसे देखिए जो रिब्स हैं, ये रिब्स की ऐसे लेटरल मूवमेंट करने हैं हमें, और पेट का क्लॉकवाइज मूवमेंट करने हैं, पेट के क्लॉकवाइज ऐसे सूदिंग मूवमेंट, ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो ना कम प्रेशर से काम चलेगा। फिर हाथ पैरों के एक तो सर्कुलर मूवमेंट्स, गोल गोल सारे लिम्फ को स्क्वीज करने में, फिर एक ऐसे टुवार्ड्स हार्ट, दिल की तरफ ऐसे ऐसे मालिश करनी है। पेट बड़ा मुलायम रहेगा हमारा, पाचन अच्छा रहेगा, हमारी कमर में दर्द होगा ही नहीं मालिश करेंगे तो, और सिर में दर्द नहीं होगा, सिर की भी मालिश हल्के हाथों से करनी है। हमें मर्म स्थानों की मालिश नहीं करनी, जैसे जो मर्म जो प्राइवेट पार्ट्स हैं ये हैं, आँखों की मालिश नहीं करनी हमें, सिर की बहुत ज़्यादा तेज जोर से नहीं मालिश करनी। अदरवाइज जितने भी जोड़ हैं बॉडी के, जो ज्वाइंट हैं, ये बड़े ही लचीले बनते हैं, वात रोगों का तो एक रामबाण इलाज है। जितने भी दर्द है, हमारे पापा अभी भी 10 किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं मेरे साथ में, 10 किलोमीटर की वॉक, ये जोड़ हमारे लचीले रहेंगे 100 वर्ष तक। जैसे जैसे साइकिल को जरूरत है ग्रीसिंग की, जैसे हम कार की सर्विस करवाते हैं, ऐसे ही मालिश करें। देखिए मुझे कभी भी MBBS के कोर्स में मैंने नहीं पढ़ा इन बेसिक चीज़ों के बारे में कि हमें गर्म पानी से नहाने का क्या नुकसान है, हमें वेस्टर्न टॉयलेट का क्या नुकसान है, वेस्टर्न टॉयलेट से कितने लोगों को पाइल्स की बीमारी हो गई, कब्ज की शिकायत हो गई। हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, हम लोग हेल्दी रहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो MBBS के MD के कोर्स में एलोपैथी में बिल्कुल भी नहीं है, और ये छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। हम लोग मच्छरदानी में सोते हैं, बालकनी में हम लोग हेल्दी रहते हैं। पिछले 50 सालों से पापा मच्छरदानी में सोते हैं, मेरे को 15 साल हो गए मैं मच्छरदानी में सोता हूँ, गर्मियों में पंखा नहीं चलाता, मैं हेल्दी रहता हूँ। ये हमारे हेल्दी रहने के टूल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनाएं इसमें। और जो मेरी मुहिम है ये होलिस्टिक हेल्थ का, जो मेरा अप्रोच है, मैं पिछले 25 साल से मैंने 7-8 लाख पेशेंट देखे हैं, तो मैं होलिस्टिक हेल्थ अपनाता हूँ। एलोपैथी में तो मैंने डिग्री ली है, लेकिन मैं आयुर्वेद का भी अप्रोच रखता हूँ। जब हम मालिश करते हैं तो हम अपने मरीजों को भी मालिश की सलाह देंगे, इसी तरह मेरा नेचुरोपैथी का भी मेरा वो रहता है, योग मैं करता हूँ, योग का कहीं जिक्र ही नहीं है एलोपैथी में। तो जो राष्ट्रपति हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी मैं चाहता हूँ कि मैं उनको गुहार लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ उठाएं, और एक ऐसा कोर्स हो भारत में जिसमें एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के बारे में बड़ा डिटेल में हो। एक डॉक्टर ही सारी अच्छी तरीके से एक मरीज को देखे, और अच्छी तरह से उसका होलिस्टिक अप्रोच के साथ समाधान करे, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का अप्रोच हो। देखिए कितना लाभ मिलता है मालिश से। मालिश अगर हम लाइफ लॉन्ग करेंगे, लाइफ लॉन्ग निरोगी रहेंगे। बस करनी हमें अच्छी तरीके से है। एक तो हमें ये रबिंग मूवमेंट करने हैं, रबिंग स्लाइडिंग मूवमेंट, एक हमें टैपिंग मूवमेंट भी करने हैं, ऐसे टैपिंग मूवमेंट, और स्क्वीजिंग मूवमेंट, जैसे हाथ हैं तो स्क्वीजिंग मूवमेंट, ऐसे ये स्क्वीजिंग मूवमेंट, ऐसे अगर मालिश करेंगे तो सारा शरीर हल्का हो जाता है, बिल्कुल हवा में उड़ता है। मैं एक घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ, मैं एक हफ्ते तक खाली पानी पी के रहा हूँ,
जब स्वामी रामदेव जी ने अनशन किया था, जब अन्ना हजारे ने अनशन किया, मैंने दोनों के साथ अनशन किया, मैंने दोनों ही समय एक एक हफ्ते में खाली पानी पी के रहा हूँ। ये कैलिबर मिलता है मालिश से, ये स्टेमिना मिलता मालिश से। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मालिश करें। यूट्यूब ने तो मुझे सिल्वर बटन प्रोवाइड किया है, 1.5 लाख लोग लगभग जुड़ते हैं मेरे साथ ये यूट्यूब पे जब मैं लाइव होता हूँ। और ये मैं हर संडे को शाम को 4 से 5 लाइव होता हूँ, हर बीमारी के बारे में, चाहे डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, कैसे हम फंगल इन्फेक्शन को लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक कर सकते हैं, तो आप जरूर जुड़ें। और इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि सभी बीमारियों को हम खान पान रहन सहन सुधार के कैसे ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी त्वचा का ग्लो बढ़ जाता है मालिश करने से, झुर्रियाँ नहीं होती, फंगल इन्फेक्शन सोरियसिस से बचा होता है, एलर्जी अर्टिकेरिया जो शीत पीता उससे, खून हमारा बॉडी जो ब्लड है वो डिटॉक्सीफाई होता है, बुढ़ापे की प्रोसेस स्लो हो जाती है, एंटी एजिंग होती है मालिश, और इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी, और फिर मांसपेशियाँ, मसल्स हमारी, थकान दूर रहते हैं, जो दिन भर हम मेहनत करते हैं उससे थकान कम हो जाती है मालिश करने से, कमजोरी दूर रहती है, वजन जिसका कम होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इससे हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है। नसें हमारी, दर्द, वात रोग, सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, नींद विकार, डिप्रेशन है ना, नेचुरल पेन रिलीवर है मालिश, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, फिर नाक, कान, गला हमारे बड़े सुरक्षित रहते हैं मालिश करने से। जब भी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी शुशु वाली जगह पे मालिश लगाते हैं, पोटी वाली जगह पे मालिश, नाभि में मालिश, नाक में मालिश, कान में मालिश, मेरी मम्मी मेरे को मालिश लगाती थी, नहलाते इसमें तेल, फिर अंगों की मालिश, मोटापा, शुगर, खांसी, जुकाम, बलगम, ये बड़े जल्दी ठीक होते हैं मालिश करने से। हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहता है हमारी बॉडी में, गुड हार्मोन्स बनते हैं, एंडोर्फिन्स बनते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन वगैरह। लेकिन एक तो मर्म स्थानों पर मालिश ना करें, एक पित्त प्रकोप जब हो ज़्यादा तब मालिश ना करें, अपच हो या स्किन में रैशेज, दाने दाने हो, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड के समय में मालिश से बचाव करें। मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को आप सब लोगों को स्प्रेड करें, जिससे कि सब लोग लाभ उठाएं। देखिए, प्राकृतिक वातावरण है, ये जो शाम का समय, जब भी मालिश करें तो खाली पेट मालिश करें, या तो सुबह उठ के खाली पेट मालिश करें, या जो शाम का समय सूरज छिपने से पहले मालिश करके, नहा के, फिर खाना खा के, फिर वॉक करके आएँ, तो ऐसे समय का भी ध्यान रखें, और परिवार के सदस्य एक दूसरे की मालिश कर सकते हैं, बाकी किसी हेल्पर की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन जरूर करें मालिश। मालिश का जो मेरा तो ना, देखिए भारतीय शास्त्रों में बड़ा मेरा इंटरेस्ट है, ये भारतीय शास्त्रों में बड़ा जिक्र आया है मालिश का, ये आचार संहिता की बुक है, 18 रुपये की आती है, गीता प्रेस गोरखपुर की, इसमें डिटेल्स हैं। इसमें तो आया कि किस दिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इन दोनों मालिश ना करें, प्रथमा के दिन, षष्ठी के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी में, चतुर्दशी में, पूर्णिमा में, अमावस्या में, रविवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को ना करें, बाकी दिन मालिश कर सकते हैं। बाकी जो रोगी है, रोगी की तो डेली मालिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कोई विकार है। राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए, 2 दिन रहे, बड़े खुश हुए कि डॉक्टर साहब आप भारतीय संस्कृति में इतना विश्वास रखते हैं, आप सबको निरोगी करें, ये बड़ी अच्छी बात। मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग निरोगी रहते हैं, इन छोटे छोटे टूल्स को अपना के सब लोग निरोगी रहें। थैंक यू। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से